चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो लेक्चर हम पढ़ रहे थे उसमें हमने स्टडी किया था एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम था डायपोल, या जिसे हम कह रहे थे इलेक्ट्रिक डायपोल। सबसे पहला क्वेश्चन ही यही है आप लोगों से कि क्या था इलेक्ट्रिक डायपोल, जल्दी से बताइएगा क्या था भाई इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन क्या थी भाई? सिंपली इट वॉज क्या? इट वॉज अ पेयर। किसका? पेयर मीन्स टू, पेयर ऑफ टू, यस टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस। विच आर सेपरेटेड बाय आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस। चलिए एक चीज तो ये हो गई। दूसरी हमने पढ़ी थी डाइपोल मूमेंट, कि भाई डाइपोल मूमेंट क्या होती है। तो डाइपोल मूमेंट की जब हम बात करते हैं देन वी टॉक अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। और इस स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल को हमने पढ़ा था कि जो स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल होती है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या था कि इसमें एम्पलीट्यूड भी होगा, मीन्स मैग्नीट्यूड भी होगा, और एम्पलीट्यूड के साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी होगी। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पहले एम्पलीट्यूड या मैग्नीट्यूड मेरा। तो इसे हमने रिप्रेजेंट किया था, अगर आपको याद होगा, वी हैव रिप्रेजेंटेड विद पी वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में अगर कंप्लीट फॉर्मेशन देखें तो ये थी क्याउ। क्याउ क्या था? ईदर चार्ज, दो चार्जेस थे जो इक्वल थे, तो किसी का भी अगर हम मैग्नीट्यूड ले लें तो दैट इज नाइदर एन इश्यू। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज एंड द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन देम वी हैव कंसीडर्ड दैट एज टू ए, सो दिस इज अ कंप्लीट वन। सो मैग्नीट्यूड या एम्पलीट्यूड की जब हम बात करें तो पी किसके बराबर था? क्याउ इंटू टू ए। ये आ गया भाई आपका। ठीक है, तो इसकी बात की थी। अब जो इसकी एक्सटेंशन है, जो इसका नेक्स्ट टॉपिक आज जो हम स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज डाइपोल फील्ड, दैट इज डाइपोल फील्ड। लास्ट लेक्चर में ही मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि जब फील्ड किस तरह से एग्जिस्टेंस में आता है ड्यू टू आ डाइपोल। डाइपोल है मतलब वहां पे क्या है, वहां पे दो चार्ज। दो चार्ज कैसे वाले दो चार्ज है भाई? एक प्लस का है एक माइनस का है, दोनों इक्वल है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्यू है, बट दोनों की पोलैरिटी अपोजिट है। तो हमारे पास अब जब हम डाइपोल ऑफ फील्ड को स्टडी कर रहे हैं, मींस हम स्टडी करने जा रहे हैं किसका? फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। डाइपोल क्यों होगा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होगा डाइपोल के कारण? क्योंकि जब डाइपोल की बात कर रहे हैं तो चार्ज की बात आ रही है, और जब भी चार्ज एग्जिस्टेंस में आता है तो कूलम कहता है कि देयर विल बी एन इलेक्ट्रिक फोर्स। जब भी इलेक्ट्रिक फोर्स होगी तो हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज जो होती है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसका मतलब है वेयर देयर इज अ चार्ज देयर इज अ फोर्स, वेयर देयर इज अ फोर्स देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। डन, एंड वी आर स्टडिंग द चार्जेस एट रेस्ट हियर। ये बातें याद रखनी है कि वेयर देयर इज अ चार्ज देयर इज अ फोर्स, कौन सी वाली? इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फोर्स। एंड वेयर देयर इज अ फोर्स देयर इज अ चार्ज। ये बात हमेशा याद रखनी है आप लोगों ने। अब हम यहां पे डायपोल के कारण जो फील्ड होगा उसके दो केसेस ले रहे हैं। मैंने लास्ट आपको क्लास में एक चीज बताई थी कि जब भी हम एक डायपोल को स्टडी करते हैं
तो हम मान के चलते हैं, मान लीजिए ये दो चार्जेस हैं, एक प्लस का चार्ज है एक माइनस। अब दोनों का q आपका इन दोनों के बीच का ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, और मान लीजिए ये डिस्टेंस हमने क्या लिया था, हमने लिया था qa, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। और ये पॉइंट ओ जो है, दैट पॉइंट ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस डाइपोल। ये ओ पॉइंट जो है इस डाइपोल को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये एक सिमेट्रिक पॉइंट भी है। तो अब आपके जो क्वेश्चंस होंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चंस आपने निकालने हैं, दैट आर गोइंग टू बी विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट ओ। ध्यान रहे, अब इस पॉइंट ओ के दोनों तरफ जो डिस्टेंस है, इस साइड भी ए रह गया, इस साइड भी ए रह गया। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालना है, तो मैं दो केसेस हमने स्टडी करने हैं कि फील्ड आपने क्या निकालना है। फील्ड निकालना है आपने एट अ पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट के ऊपर, एक ऐसे पॉइंट के ऊपर, नंबर वन विच इज एट एक्सिस। बात करते हैं इसकी, एक केस जब वो पॉइंट जिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दैट इज एट द एक्सिस। किसकी एक्सिस? एक्सिस ऑफ डाइपोल। पहली बात क्या कर रहे हैं हम, एक्सिस ऑफ डाइपोल की बात कर रहे हैं। दूसरी हम बात कर रहे हैं कि पॉइंट जो है, पॉइंट इज एट इक्वेटर। कहां है? इक्वेटर। किसका कहां इक्वेटर? किसका इक्वेटर भाई? अर्थ का इक्वेटर नहीं, डाइपोल का इक्वेटर। तो आप इस दूसरे केस को किस तरह से लेते हो, ये भी हम आगे देखेंगे। समटाइम इट क्रिएट्स दिस लाइन, दिस पॉइंट, दिस सेकंड टाइप दैट क्रिएट्स सम कंफ्यूजन, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज रियली क्रिएटेड अ प्रॉब्लम ड्यूरिंग द अटेम्प्टेशन ऑफ द क्वेश्चन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो ये ध्यान रखे, ये एग्जामिनेशन में कंफ्यूज करता है ये सेकेंड क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो चलिए हम पहले से ही शुरू करते हैं। सो फील्ड एट द पॉइंट विच इज एट द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। तो पहला क्वेश्चन आपका, उसकी हेडिंग क्या है? उसकी हेडिंग है भाई, आपको क्या करना है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। मैं ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण? ड्यू टू डाइपोल के कारण। कहां? एट एक्सिस या एट इट्स एक्सिस, उसकी अपनी ही एक्सिस के ऊपर। चलिए अब बात करते हैं भाई, व्हाट इज द एक्सिस ऑफ डायपोल। मैं ये दोनों को अलग अलग टॉपिक में, एक्सिस और इक्वेटर की बात करूंगा। तो पहली बात, एक्सिस इस केस में क्या होगी, तो देखते हैं। सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ व्हाट, अ डायपोल। सो If this is a dipole, this is my dipole. This is a dipole in which the two charges are minus Q and plus Q. ध्यान से देखना, एक चार्ज है A पॉइंट पे, एक चार्ज है B पॉइंट पे। दोनों के बीच का ये लाइन है जो इनको ज्वाइन कर रही है, डन। और ये है वो सेंटर पॉइंट O। देखिए, एक चार्ज ए पे है, एक चार्ज बी पे है, और मिड पॉइंट है ओ के ऊपर। अब ध्यान से, माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का डिस्टेंस है भाई 2a। अगर ये 2a है, इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच का गैप कितना है, a। ओ जो है वो डिवाइड कर रहा है इनको, आधा आधा कर रहा है, मींस आधा a इधर रह गया और आधा a इधर रह गया। So we are having A on the either side. Then, इस लाइन के थ्रू पास होने वाली, ध्यान रहे, एनी लाइन पासिंग थ्रू ए बी, मीन्स इस लाइन ए बी के थ्रू पास होने वाली कोई भी दूसरी लाइन जो होगी, दैट इज एन एक्सिस। देखिए, ये एक्स एक्स डैश, दिस इज अ लाइन विच इज पासिंग थ्रू ए बी। ए बी कौन है? ए बी वो डायपोल है, तो इसके थ्रू पास होने वाली किसी भी लाइन को हम कहेंगे एक्सिस, एक्सिस ऑफ दैट डायपोल।
बात समझ आई डाइपोल की एक्सिस क्या है? एनी लाइन विच पासिस थ्रू द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस ऑफ दैट डाइपोल इज नाउन एज एक्सिस आर. वी कैन ऑल्सो से इट एज एक्सियल लाइन. क्या नाम आ गया इसका? एक्सियल लाइन इसका नाम आ गया. अब आपका क्वेश्चन क्या है? आपका क्वेश्चन है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस डायपोल के कारण कहां पे? इसके एक्सिस के ऊपर. अब एक्सिस क्या है? एक्सिस है एक्स एक्स डैश. तो एक्स एक्स डैश पे पॉइंट चाहे ये वाला हो वन नंबर, चाहे ये पॉइंट हो टू नंबर, या एनी अदर पॉइंट वेदर इट इज इन बिटवीन ए बी एंड आउटसाइड द ए बी, कहीं भी कोई पॉइंट हो उसके कारण आपने उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. ये बात समझ आई आपको? आपके पास एक डायपोल है और डायपोल की एक्सिस के ऊपर आपने निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, चलिए अब हम उस क्वेश्चन को निकालने के लायक एक साफ सुथरी डायग्राम बनाते हैं. सिंपल डायग्राम. वी आर हैविंग दिस इज अ चार्ज, दिस एंड दिस इज एन अदर चार्ज. This is plus Q, this is minus Q. This charge is placed at point A, this charge is placed at point B. And this is the line which is joining these two charges. Done? And this is a point O. And the either sides, we are having a distance A here, A here. O se idhar bhi A distance hai, O se idhar bhi A distance hai. And the total distance or the total dimension of this dipole is 2a. ध्यान रहे, O जो है वो दोनों को क्या कर रहा है? Half half में divide कर रहा है. Done. अब मैं axis ले रहा हूं इस side पे. Axis पूरी है. मैं एक point इधर ले रहा हूं. यहां पे मैं point ले रहा हूं भाई, ध्यान से. Point ले रहा हूं P. ये P जो point है, ये मेरा P वो point है जो axis के ऊपर है. आपको size दिखाई दे रहा है? ए बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को किधर मर्जी एक्सटेंड कर लो वो एक्सिस ही बनेगी. तो पी पॉइंट एक्सिस पे है, पी पॉइंट एक्सिस पे है, तो मुझे पी पॉइंट के ऊपर निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड. डन. अब हमने पढ़ा हुआ है जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है वहां पे हम रखते हैं एक टेस्ट चार्ज, और हम टेस्ट चार्ज को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू नॉट से. सो दिस इज योर टेस्ट चार्ज. ध्यान से रखिएगा. अब हम एक कंसिडरेशन करने जा रहे हैं कि जो पॉइंट P है आपका, वो सेंटर पॉइंट से, मैंने आपको बोला हुआ है सेंटर पॉइंट ऑफ द डायपोल इज द सिमेट्रिकल पॉइंट. तो ये जो पॉइंट P है दैट इज एट डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर. कहां से है? R डिस्टेंस से है. कहां से? सेंटर. और मींस आप सिंपली कह सकते हो, मैं यहां कुछ आपको डायमेंशन लिख के दे रहा हूं. ए बी जो लेंथ है दैट इज 2a, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी दैट इज इक्वल टू ए, ओ से लेकर p तक का डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू r. ये चीजें भाई आपने ध्यान से रखनी. डन. ये आपकी डायमेंशन आ गई इस डायपोल की. अब आपने क्या करना है? आपको चाहिए भी पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड. ध्यान रहे, पी पॉइंट के ऊपर चार्ज कौन है? क्यू नॉट. क्यू नॉट कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव है. अब पी पॉइंट पे जो चार्ज है क्यू नॉट, उस पर फोर्स कौन लगा रहा है? उसके ऊपर भाई फोर्स माइनस क्यू भी लगा रहा है और प्लस क्यू भी लगा रहा है. दोनों फोर्सेज लगा रहे हैं, दोनों फोर्सेज लगा रहे हैं. मीन्स मैंने आपको क्या बताया कि जो चार्ज फोर्स लगाता है दैट इज अ सोर्स चार्ज. वो चार्ज कौन से हो गए? सोर्स. तो कितने सोर्स चार्ज हो गए आपके पास? दो. कौन सा? माइनस क्यू एंड प्लस क्यू. तो अब हम क्या करेंगे? हम दोनों के कारण, सबसे पहले दोनों के कारण पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे. तो सबसे पहले निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण? माइनस क्यू के कारण. चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू. ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे क्या लिख दिया मैंने सबस्क्रिप्ट में? माइनस क्यू. दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट होता है 1/4 pi epsilon naught. याद है आप लोगों को कि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? E इज इक्वल टू द कांस्टेंट 1/4 pi epsilon naught
इनटू क्यू। क्यू कौन सा चार्ज होता है? क्यू होता है भाई आपका सोर्स चार्ज अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं क्योंकि यहां फॉर्मूले में हमने आर अलग ही यूज कर रहे हैं, इसलिए क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाता है। तो ये फॉर्मूला आपने यहां यूज करना है, ठीक है। तो E माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught, क्यू आपका आ गया, ये चार्ज आ गया, दोनों का मैग्नीट्यूड लेंगे हम, अपॉन डिस्टेंस किसके बीच में, सोर्स और टेस्ट के बीच में। सोर्स है माइनस क्यू, टेस्ट है क्यू नॉट। भाई ध्यान से देखो, सोर्स कहां है? ए पे, यहां पे है, और टेस्ट कहां है? पी पे। ए से पी के बीच का डिस्टेंस कितना है? ए पी। भाई ए पी इज इक्वल टू आर प्लस ए, तो ये बन गया आर प्लस ए का स्क्वायर। यहां तक समझ आया कि ई माइनस क्यू। अब हम निकालेंगे ई प्लस क्यू, ध्यान से देखना, इसी तरह अब हम निकालेंगे ई प्लस क्यू। ई प्लस क्यू मींस चार्ज प्लस क्यू के कारण, ये तो हमारा आएगा 1/4 pi epsilon naught, दोनों का चार्ज इक्वल है तो क्यू आएगा। मेन चीज है कि अब मेरा सोर्स चार्ज बी पॉइंट पे है, सोर्स चार्ज कहां आ गया? बी पॉइंट पे, और टेस्ट कहां है? पी पे। तो हमें डिस्टेंस निकालना है बीपी। बीपी किसके बराबर है? ध्यान से, आर टोटल है माइनस ए, तो बीपी इज इक्वल टू आर माइनस ए। अब मेरे पास आ गया भाई यहां पे आर माइनस ए का होल स्क्वायर। यहां तक ओके है? दोनों का डिस्टेंस ध्यान से आ गया, ई माइनस क्यू इज इक्वल टू दिस, ई प्लस क्यू इज इक्वल टू दिस। अब मुझे निकालना है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें क्या करना है? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कहां पे? देयरफोर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। पी पॉइंट पे जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं ई। कौन सा पी? कहां था पॉइंट? एक्सिस के ऊपर, तो मैं इसे लिख रहा हूं ई एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सिस। चलिए ध्यान से देखते हैं। अब एक मेरा फील्ड है ये, एक मेरा फील्ड, दोनों कहां लग रहे हैं? पी पॉइंट के ऊपर। आप ध्यान से देखिएगा, अब हमें यहां पे जरूरत पड़ेगी दोनों की, किस चीज की? दोनों की हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी। अब मुझे आप बताइए डायरेक्शंस कहां कहां है। डायरेक्शंस आपको पता है कहां होती है? पॉजिटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। कहां से? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ध्यान से देखिएगा, अब आप देखिएगा कि आपका, हम तीनों पॉइंट्स लेके चलते हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट पी है। ए पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज है, पी पॉइंट पे प्लस क्यू है, और पी पॉइंट पे है क्यू नॉट, जो भी प्लस का है। ध्यान रहे, माइनस क्यू एक सिंगल नेगेटिव है, प्लस क्यू और प्लस क्यू जीरो दोनों पॉजिटिव है। बट ध्यान रहे, क्यू बड़े वाला पॉजिटिव है, क्यू का मैग्नीट्यूड ज्यादा है क्योंकि वो सोर्स चार्ज है, और क्यू नॉट एक टेस्ट चार्ज है, तो उसकी वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, ध्यान रहेगा। चलिए अब ए के कारण निकाल रहे हैं पी पे, और बी के कारण निकाल रहे हैं पी पे। तो पहले लेते हैं ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, इनके कारण निकालते हैं डायरेक्शन क्या होगी। भाई डायरेक्शन होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, इररिस्पेक्टिव कि पॉजिटिव बड़ा है या छोटा है। तो ये डायरेक्शन हो गई इधर, ये किसकी डायरेक्शन है? माइनस क्यू के कारण। किधर हो गई? टूवर्ड्स द ए, टूवर्ड्स द ए मींस टूवर्ड्स अ नेगेटिव एक्सिस। अब ध्यान रहे, अब दूसरा बी से पी, बी कौन सा है? बड़ा क्यू है, सो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, प्लस क्यू, दोनों डायरेक्शंस मिल गई। अब ध्यान रहे, पॉजिटिव क्यू किस तरफ है? प्लस डायरेक्शन की तरफ, और माइनस वाला माइनस की तरफ। तो अब हम निकालेंगे दोनों एक्सिस, अब हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, हम डायरेक्शंस को देख के चलेंगे। हमने वेक्टर एनालिसिस पढ़ा हुआ है, वेक्टर एनालिसिस में जब दो वेक्टर्स की डायरेक्शंस अपोजिट हो जाती हैं, हम उनके मैग्नीट्यूड का क्या ले लेते हैं? डिफरेंस ले लेते हैं। तो यहां टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ए एक्सिस इज इक्वल टू ई प्लस का क्यू माइनस, माइनस क्यों? क्योंकि टू वर्ड्स नेगेटिव है, माइनस। तो हम ई प्लस वाले की जो वैल्यू है, ये सेकेंड टर्म जो है, ये वाली टर्म, इसमें से
E माइनस वाली टर्म जो है ये वाली टर्म माइनस कर लेंगे। चलिए करके देखते हैं, E प्लस क्यू, E प्लस क्यू और E माइनस क्यू, ध्यान से देखिएगा, प्लस क्यू वाली टर्म क्या है, 1/4 pi epsilon naught क्यू दोनों में सेम है, अपॉन प्लस वाले में ये वाली प्लस वाली टर्म है भाई, ये वाली टर्म क्यू अपॉन आर माइनस ए का R माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हो गई फर्स्ट टर्म, माइनस E माइनस क्यू 1/4 pi epsilon naught इसमें भी है, क्यू भी है इसमें, अपॉन ये वाली टर्म है भाई, अब ये वाली देखिएगा ध्यान से, ये वाली इट इज R प्लस ए का होल स्क्वायर, R प्लस ए का होल स्क्वायर भाई, दोनों में टर्म, फिर से इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं, दोनों टर्म्स में कॉमन क्या है, दोनों टर्म्स में कॉमन है भाई 1/4 pi epsilon naught एक टर्म कॉमन है, दूसरा क्यू भी दोनों में कॉमन है। अब पहली टर्म का 1/r-a का होल स्क्वायर, पहली टर्म में क्या बच गया, क्यू भी बाहर आ गया, 4 pi epsilon naught भी बाहर आ गया, अंदर बच गया 1/r-a का होल स्क्वायर माइनस, दूसरे का 1/4 pi epsilon naught कॉमन आ गया, बच गया 1/r+a का होल स्क्वायर, ध्यान से देखना इसको, और अब इसको आपने सॉल्व करना है, आपको और किसी टर्म की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड दिस फॉर्म, देयरफॉर ई एक्सिस किसके बराबर हो गया, क्यू अपॉन 4 pi epsilon naught, ध्यान रहे, अब अंदर वाला जो है, जो कुछ भी अंदर है उसे सॉल्व करना है आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इस वाली टर्म को मैं ले जाऊंगा इधर, ठीक है, और इसको ओपन भी कर दूंगा, मींस फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, इट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो r का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस 2ar माइनस फॉर्मूले का है। अब ये वाली टर्म ऊपर जाएगी, इसको खोलेंगे तो उसके साइन अपोजिट हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस का था माइनस हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है माइनस हो जाएगा, माइनस 2ab माइनस का बन जाएगा प्लस 2ab, ये आ गया भाई आपका न्यूमरेटर, अपॉन ध्यान से देखिएगा इस डिनोमिनेटर को, ये क्या है डिनोमिनेटर देख रहा हूं मैं आपको, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे r माइनस a का होल स्क्वायर इंटू r प्लस a का होल स्क्वायर, बच्चे दोनों के स्क्वायर्स को छोड़ दो, अंदर क्या है a माइनस b a प्लस b, a माइनस बी ए प्लस बी, दोनों के स्क्वायर थे कॉमन ले लिया हमने, तो ये बन गई आपकी टर्म, इसे ध्यान से देख लेना एक बार, ये फिर से एक बार इस चीज को ध्यान से देख लो, ये नोट कर लो इसको, ई एक्सिस इज इक्वल टू क्यू बाई 4 pi epsilon naught, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये फॉर्मूले आपके लगते गए यहां पे, सो यू गॉट दीज टर्म्स डन, यू गॉट दीज टर्म्स, अब ध्यान से देखो, अब आपकी ये जो न्यूमरेटर वाली टर्म्स हैं, न्यूमरेटर वाली टर्म्स देख लो, अब क्यू अपॉन 4 pi, ये बाहर आ गया कॉमन है, अंदर देखना डिनोमिनेटर में लिख रहा हूं नीचे, ये क्या है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, बेटा न्यूमरेटर में सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर के साथ, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, ये बच गया 2ar, यहां भी बच गया 2ar, दोनों प्लस के हैं, ये बन जाएगा 4ar, ठीक है, अब जो मेरे दोस्त होंगे है ना, जो मेरे दोस्त होंगे वो देखेंगे भाई अंदर भी 4 आ गया बाहर भी 4 आ गया, कट गया कहानी खत्म, ठीक है, गलती नहीं करनी कभी भी ऐसी वाली, तो आपने ले लेना है ई एक्सिस इज इक्वल टू, ओपन कर देना है 1/4 pi epsilon naught, क्यू को अंदर ले जाना है बच्चे, ठीक है, क्यू अंदर चला गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो बच्चे आपका 2a है ना, ये 4a जो है, इस 4a को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 into 2a, चलिए 2 into 2a, डन, 2 into 2a था 2 आ गया, तो बच्चे इन दोनों को जोड़ो, ये क्या बन गया 4a, मैं 4a को हटा रहा हूं, 4a को मैंने तोड़ के क्या बना दिया 2 into 2a into 4ar था, r अभी बचा हुआ है भाई यहां पे, अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, अब ध्यान देना क्यू इंटू 2a पढ़ा हुआ हमने अभी पीछे पढ़ा है,
कि डायपोल मूवमेंट जो होती है वो क्यू इनटू क्या होती है, 2a होती है। तो ये पहली वाली जो चीज है, ये वाली जो दो टर्म्स है, नाउ दे आर गेटिंग चेंज्ड एंड नाउ वी आर हैविंग 1/4πε0। बेटा 2r है, 2r है, क्यू इंटू 2a बन जाएगा p, तो ये बन जाएगा p, तो 2πr डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। सो दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू विदाउट एनी अजम्पशन, विदाउट एनी कटिंग। ठीक है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सिस के ऊपर, उसकी क्या वैल्यू आ गई, 1/4πε0 2πr अपॉन r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इसकी जब आपको बोला जाए कि एक्सिस की डायरेक्शन किस तरफ होगी, टूवर्ड्स द पॉजिटिव वैल्यू, टूवर्ड्स द पॉजिटिव मींस टूवर्ड्स राइट, द डायरेक्शन किधर हो गई इसकी, टूवर्ड्स राइट। चलिए अब क्वेश्चन आता है कभी कभी हमारे पास, हमें कभी कभी बोला जाता है कि जो चीज हमने डेफिनेशन में यूज की थी, हमने कहा था कि यह डायपोल बहुत ही छोटा है, डायपोल क्या है, बहुत ही छोटा है, मींस डायपोल को हम कह सकते हैं इफ डायपोल इज अ शॉर्ट पोल, शॉर्ट डायपोल। अगर डायपोल बेटा बहुत छोटा है तो मैंने कहा फिर क्या होगा, जब डायपोल छोटा होगा तो 2a जो है, a जो है वो बहुत ही छोटा होगा, तो उस समय r जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन a। बच्चे अगर r जो है, r तो बाहर का डिस्टेंस है ना, a उसकी डायमेंशन है, a छोटा है तो r क्या हो गया, उससे बड़ा। बेटा अगर r बड़ा है तो r स्क्वायर और भी बड़ा हो जाएगा, जब r स्क्वायर बड़ा है तो r स्क्वायर में, r स्क्वायर a स्क्वायर से बड़ा है, तो r स्क्वायर में से अगर a स्क्वायर माइनस कर दे तो r स्क्वायर में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, r स्क्वायर में से छोटी सी चीज निकाल लोगे तो नेग्लिजिबल डिफरेंस आएगा, तो हम उसे इक्विवेलेंट टू r स्क्वायर लिख सकते हैं। मींस r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैन बी रिटन एज ओनली r स्क्वायर, देयरफॉर e एक्सिस क्या बच जाएगा, इज इक्वल टू, या ऊपर देखो 1/4πε0 तो अपनी जगह रह गया, 2πr अपनी जगह रह गया, नीचे r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, a स्क्वायर की वैल्यू खत्म हो गई, r स्क्वायर तो ये बच गया 2πr अपॉन 4πε0 था, अंदर r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर था, a स्क्वायर तो गया, सिर्फ बच गया r स्क्वायर, तो ऊपर बाहर क्या था, स्क्वायर। बेटा r स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया अपॉन 4πε0 इंटू आर की पावर 4। बेटा ऊपर r है, नीचे r की पावर 4 है, एक r हट जाएगा, सो 2p अपॉन 4πε0 r का क्यूब। तो एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 2p अपॉन 4πε0 r का क्यूब। ये थोड़ा सा आपको लगेगा, थोड़ा सा टफ लगेगा, बट लगना नहीं चाहिए, अगर आपको समझ आ गया है तो ठीक है। तो मैं आपको स्टेप्स फिर से एक बार समझा देता हूं, फिर से आपको एक बार रिव्यू कर देता हूं। सिंपली आपने क्या करना है, एक ई प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, एक ई माइनस के कारण, दोनों का कर देना है सब्ट्रैक्शन, क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो बस उसको कर लेना है सॉल्व, यू विल गेट दिस वैल्यू, दिस वन इज द एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, आगे ये वाला जो सपोजिशन वाला केस है, ये तभी यूज करना है अगर आपको बोला जाए कि आपका डायपोल क्या है, शॉर्ट डायपोल है, तब यूज करना है, कभी न्यूमेरिकल्स में ऐसा आ जाता है। ठीक है बच्चे, ये ज्यादा क्लैरिटी इस क्वेश्चन की आपको होगी जैसे ही आप इसको खुद नोटबुक पे सॉल्व करो। ठीक है, और अगर तब वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो लेट मी नो अबाउट दैट, वी कैन रिपीट इट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।